कुछ हमने सबसे चर्चा करने के बाद 8-10 मुख्य उद्देश्य 10 उद्देश्य यहाँ पर बनाया था और सबके हाथ में आ गया होगा। आज राधा अष्टमी है और मुझे लगता है कि वैचारिक रूप से श्री कृष्ण और राधा का आशीर्वाद हम लोगों पे विराजमान है। पहली बात तो ये है, 2-3 चीजें हैं। एक तो विषयांतर ना करेंगे तो अच्छा रहेगा, जब नया विषय आएगा अपनी बात को आदमी रखे, क्योंकि सनातन धर्म के सामने बड़ी सारी चुनौतियां, बड़ी सारी समस्याएं और बड़ी सारी चीजें हैं। तो सबसे पहली बात, क्या ये आवश्यक है, जरूरी है, अब अनिवार्य हो गया है कि हम सब जो प्रयागराज सनातन धर्म में, मैं मीडिया कर्मी हूँ, मैं देख रहा हूँ कि सनातन धर्म पे कोई बोलने वाला नहीं। और आप लोग अक्सर कहानी सुनाते हैं, मैं आज एक कहानी सुनाता हूँ कि एज ए मीडिया के पर्सन मुझे रामानंद संप्रदाय के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी जरूरत है रामानंद संप्रदाय के बारे में जानकारी रखना। मैं मीडिया कर्मी के रूप में गया, किसी ने मना कर दिया, लेकिन मुझे एक बाबा मिल गया, वो वास्तव में भिक्षाटन का काम करता, भिक्षाटन का काम करता, उसके वेश बढ़े, दाढ़ी है, जुगिया भी पहन रखा। अब उसमें विभेद करना ये ज्ञानी और भिकमंगे में कोई नहीं कर पाए। मीडिया कर्मी पहुंचा, बाबा जी ये क्या होता है, बाबा जी ने जो बता दिया वो हो गया। अब भले वो शैव संप्रदाय का बता रहे, उन्होंने जो शैव संप्रदाय का सुना वही बता रहे, रामानंद संप्रदाय का क्वेश्चन है, भिक्षाटन कर रहे हैं वो बता रहे। चल रहा है तो जिसने हरा रंग देखा ही नहीं है उसको काला रंग बता दिया जाए कि यही हरा रंग है, आप बताइए क्या होगा। तो इस मंच की इसलिए जरूरत है कि कम से कम हमारे बड़े विभेद हैं, मत बहुत अलग अलग हैं, स्वभाव बहुत अलग है, लेकिन कम से कम हम सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, आज जो स्थिति है जिसमें सनातन धर्म में सारे मत और संप्रदाय आ रहे हैं उन पे संकट है। तो अगर इसमें के लिए अगर हम लोग मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं, आपस में विचार विमर्श कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई हानि की बात है। इस नई परंपरा को शुरुआत करना चाहिए। महाराज जी बताइए, कम से कम मैं इंटरनेशनल मीडिया में काम करता हूं, अक्सर मुझे जरूरत पड़ती है किसी धर्माचार्य के बोलने के लिए, क्योंकि आप कोई नहीं बोलेगा तो कोई दूसरा बोल देगा, कोई दूसरा बोल देगा, पंकज इनको बैठाओ, अभी ये अभी चर्चा हो जाए तो पड़ा है यहाँ सोहबतिया बाग, लोपी बाग, राम बाग, जितने ये बाग पड़े हैं सब गुरुकुल हैं भरद्वाज जी महाराज के। तो आज उनकी जो तपा स्थली है उसके लिए हमको सरकार से सिफारिश करना पड़े, ये पूरे तीर्थराज प्रयाग का दुर्भाग्य है। जो सबको बसाते थे, सबको खिलाते थे, वो शिक्षा दान देते थे, यहाँ से सब कुलपति होके जाते थे, उन्हीं की देन है जो आज विश्वविद्यालय चल रहा है। वेद वेदांत जो भी उनके आदेश थे उसका पालन धीरे धीरे सब लोग करते चले आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पहला संकल्प आपका जो तीर्थराज प्रयाग में है वो इसलिए है कि तीर्थराज प्रयाग में जो हमारे चार वेदियाँ थीं, चाहे वो बहिर्वेदी हो, मध्य वेदी हो, जहाँ भी ब्रह्मा के से पूरे क्षेत्र हैं, यहाँ वैसे भी सरकार को जहाँ कुंभ लगता हो, माघ मेला जैसा कुंभ पूरे देश में सब संत महात्मा जाते हैं, ना अन्य क्षेत्र का कुंभ, ना हमारे यहाँ का माघ मेला, इतना भेद है। अगर ऐसी स्थिति है, चाहे झूसी हो चाहे दारागंज हो, हम तो ये अनुरोध करेंगे कि
कि इन तीनों जगहों पर जितने जगह तीन हैं यहाँ पूरी तौर से मद्य निषेध से लेकर के मांस मदिरा इत्यादि जितनी है उसका प्रतिबंध होना चाहिए। सारे तीर्थराज प्रयाग के संतों की मांग है और फिर हम लोग अखाड़े के एक अंग में बैठे हुए हैं तो इनका भी एक बहुत ज़ोरदार होना चाहिए और संदेश जाना चाहिए, क्योंकि हमारे 13 अखाड़े जो हैं वो सर्वमान्य हैं, उनकी सरकार ज़्यादा सुनती है इसलिए कि वो हर चीज़ पे संरक्षक हैं हमारे। तो ऐसी स्थिति में पहली बात तो हम ये चाहते हैं कि आपकी मांग जो ये मांस मदिरा और नशीली पदार्थें जितनी हैं इन्हें सरकार पूर्ण रूप से निषेध करे, यहाँ नहीं होना चाहिए किसी कीमत पे। लेकिन उनको कहाँ से क्या आमदनी होती है उसको देखते हुए इस पर ध्यान नहीं देते कि हम धर्म की रक्षा करें, सनातन धर्म की रक्षा करें, वैदिक व्यवस्था की रक्षा करें, अपने मंदिर की व्यवस्था करें या तीर्थराज प्रयाग की व्यवस्था करें, जो कुंभ लगता है अर्धकुंभ लगता है माघ मेले की व्यवस्था करें, इनको विशेष ध्यान इस पर देना चाहिए। हम हमारे संतों और मैं समझता हूँ कि जितने प्रतिष्ठित तीर्थराज प्रयाग के भक्तजन हैं उनकी सबकी मांग है कि यह स्थिति यहाँ नहीं होनी चाहिए, मांस मदिरा यहाँ पूर्ण रूप से प्रतिबंध होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने कहा भरद्वाज आश्रम भरद्वाज हुआ है, लेकिन कुछ चिन्हित स्थान जैसे आपने कहा तो पूरे देश में ऐसे हैं अताताई की किसी का भी छोड़ नहीं रहे हैं, सबका जहां पाते हैं वहीं कब्जा कर लेते हैं। अब ये अलग बात है कि हम लोग कान में तेल लगा करे और आँख मूंद करके अभी तक तीर्थराज प्रयाग में बैठे थे। ये मांग तो बहुत पहले होनी चाहिए थी कि तीर्थराज प्रयाग के भरद्वाज महाराज का जो आश्रम है वो इस तरह से घोषित हो। ये हमारा दुर्भाग्य है कि जो बीरेन पाठक जी ने आप सबके सानिध्य से आपके आशीर्वाद से भरद्वाज जी महाराज की मूर्ति स्थापित किए, लेकिन मूर्ति स्थापित जरूर हुई लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। भरद्वाज महाराज की स्थापना वहीं होनी चाहिए जहां उनका आश्रम था, जहां लोग कब्जा किए हुए बैठे हैं उसको सबको हटा करके, और जहां उनका आश्रम था वहीं होना चाहिए, वहीं सत्संग हाल होना चाहिए, वहीं साल भर में एक बार दो बार सत्संग होना चाहिए। भरद्वाज महाराज का संकल्प था, जब माघ मेला समाप्त होता था तो महापुरुषों को रोकते थे, ये हमारा रामचरितमानस में ये उदाहरण है, ऐसा करते थे वो। ऐसा करने के लिए महापुरुषों को उसी स्थान पे एक सरकार बहुत बड़ा हाल बनवावे। हम तो कहते हैं जहाँ से ये रामायण शुरू हुआ, जहाँ से याज्ञवल्क्य जी महाराज कथा शुरू किए, आज यह दुर्भाग्य है कि आज चित्रकूट में रामायण मेला होता है। कोई हमसे बतावे तीर्थराज प्रयाग में कि ऐसा संत सम्मेलन हो जहाँ आश्रम हो और आश्रम में इतनी व्यवस्था हो कि हमारे संत महात्मा सुदूर से पधारें और कम से कम हफ्ता महीना जो भी समय सबको मिले, यहाँ के गणमान्य संत पूज्य संत और यहाँ के विद्वज्जन उसमें पधारें और वो सत्संग चले। और हमारी मांग तो यही है कि वही स्थान नियुक्त किया जाए जहाँ भरद्वाज जी महाराज का है पार्क और जहाँ उनका आश्रम है। जो आपने मांगा है और जो आपने सरकार से मांग की है हम सब उस पर पूर्ण रूप से सहमत हैं, हर तरह से जब कहेंगे जैसे कहेंगे हम संतजन उसके लिए समर्पित भावन हैं। यही हमारी आपसे सबसे अनुरोध है और मांग भी है कि ऐसा होना चाहिए। सभा में उपस्थित हमारे पूज्य टीकर माफी अमेठी ब्रह्मचारी जी महाराज जी, अलोक शंकरी के पूज्य अखाड़ा परिषद के पूज्य महाराज जी, बगल से बैठे हुए हमारे तक्षक पीठ वाले महाराज जी और सभी आचार्यगण, आचार्य हमारे अंशुल जी और पिंडी वासा जी, सभी जिसका नाम नहीं जानते सभी का अभिवादन करते हुए, और हमारे पाठक जी जिसके संचालक हैं, अभी पूज्य ब्रह्मचारी जी जो भी चर्चा की है सार गर्भित हम सबको एक सूत्रात्मक सारी बात बता दी है, कुछ शेष रह नहीं गया। और बाकी ये अगर देखा जाए पढ़ा जाए तो पूज्य महाराज जैसे कह रहे थे कि माघ मेला जैसे संपन्न होता था तो भरद्वाज राखे पद टेकी, याज्ञवल्क्य जी को रोक करके भगवान की यहाँ कथा सुनते थे, यही रामकथा की उद्गम स्थली है। अगर देखा जाए तो श्री राम कथा का उद्गम स्थली है,
पूर्व में भी पाठक इसे चर्चा हुई थी कि हाँ रामानुज ध्वज आश्रम में हो, वहीं प्रतिमा लगे, और जो भी अभी प्रस्ताव रखे गए सब सार किया जाए, जब जहाँ जैसा सहयोग हम सब संतों से आप चाहेंगे उस तरह से हम उपस्थित हैं, चलने के लिए तैयार हैं, देने के लिए तैयार हैं, जैसा कहेंगे वैसा कार्य करने के लिए हम तैयार हैं। ज़्यादा पर्यटन प्रोत्साहन परिषद जिसमें हमारे डॉक्टर शुक्ला जी भी, जितना भी पर्यटन, चूँकि हमारे संविधान में इस तरीके व्यवस्था है कि हम धर्म पे सीधे नहीं जा सकते, तो पर्यटन के जरिए ही जाना पड़ेगा। एक समिति गठित हुई जिसका चेयरमैन मैं हूँ, मैंने उनको सजेस्ट किया था कि राम वन गमन मार्ग जो है वो प्रयागराज से गया है, कौशाम्बी से नहीं गया है, लेकिन कौशाम्बी में महाराज जी दिखा दिया गया, तो आप कहीं पर कुछ करिए वो तो ठीक है, लेकिन जो तथ्य है उसको मोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, तो उस पर समिति गठित हुई, उस पर चर्चा ये हुई कि अक्टूबर माह में एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे हो, गवर्नमेंट इसके लिए तैयार है, और वो यहाँ से मैं लालापुर के आगे है ऋषियन, वहाँ तक गया, खोजते खोजते हर जगह खोजा राम का गमन पथ क्या है, कैसे है, सीता रसोईया है, तो एक यात्रा प्रस्तावित है, गवर्नमेंट इस पर पैसा देने के लिए तैयार है, और मैं समझता हूँ कि आप सब लोग इसी मंच पे एक साथ खड़े रहें, वो आपका जो परिकल्पना है वो साकार हो जाएगी, वो एक दिन का यहाँ कार्यक्रम और इसके बाद यहाँ से यात्रा वहाँ तक। मैंने उनको ये सजेस्ट किया है कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करें वो इतना बड़ा करें, इतने बड़े गायकों को बुलाएं कि आदमी का इंटरेस्ट जागे, हम लोकल कलाकार को शामिल करें ठीक है, लेकिन कुछ हमको, जैसे वो कौवे वाली कहानी है ना कि कौवा आता है पानी नहीं पी पाता, लौट जाता है, फिर वो कंकड़ डालता है, तो अब अगर हमको अपने इस प्रयागराज की चमक को और बढ़ाना है तो मैंने स्वीकार रहे हैं। और आज शक्तिपीठ और टीकर माफी के पूज्य महाराज जी के सानिध्य में हम सब इस सभा संगोष्ठी में उपस्थित होने का अवसर प्राप्त हुआ। हम सभी अध्यात्मवादियों से केवल एक संदेश देना चाहते हैं, यह वही भूमि है जहां रामायण की रचना हुई है, और वाल्मीकि जी भरद्वाज जी को लेकर संगम की यात्रा करते हैं, वहीं जद क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम की उत्पत्ति होती है, और ये वही भूमि है जहां अक्षय वट के नीचे ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के काल में ही किसको तीर्थ का नायक बनाया जाए सारे तीर्थों का तौलन करते हैं, और शेष जी के फण पर तौलन होता है। त्रिशूल जी जानते हैं एक प्रताप विजय नाम का नाटक है, उसमें कोई पूछता है कि किसके बल पर तुम्हारा भारत समृद्ध है, तो अंबिका दत्त व्यास कहते हैं कि यत्रैव गंगा जमुना च बेनी गोदावरी सर सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि बसन्ति यत्र, और ये कहते हैं कि जगत त्रयेस प्रियवेशवान हियः सयेस देशः किल कस्य न प्रियः, जहां गंगा जमुना सरस्वती आदि नदियां केवल अध्यात्मवाद की स्थापना के लिए, क्योंकि अंतर्वाह्य कलमसों को नष्ट करने की क्षमता सलिलाओं में ही है, उन सलिलाओं की पवित्रता का द्योतन उसी अध्यात्मवाद में है, जैसे सरस्वती गंगा जी यदि भगवान का चरणामृत हैं, जमुना जी यदि कर्म अधिष्ठात्री हैं, तो सरस्वती ज्ञान अधिष्ठात्री हैं। स्थापना की उसने एक माधव है त्रिवेणी माधव, उनका कोई विग्रह नहीं है, उनका कोई स्थल नहीं है, जैसे त्रिवेणी भरद्वाज आश्रम से 6 किलोमीटर
पूरब चली गई, आग्रह में चले गए, वैसा त्रिवेणी माधव 6 किलोमीटर पीछे हट गए। जैसे जैसे त्रिवेणी का भाग दूर होता जाएगा, नजदीक होता जाएगा, वैसे वेणी माधव अपना स्थान परावर्तन करते जाएंगे और परावर्तित होकर उस पर प्रतिष्ठापित होते जाएंगे। मेरा ये कहने का अर्थ है कि जो आपकी पंचकोशीय परंपरा है आज के काल में, उसे संगम से अक्षयवट को लेकर के फाफा मऊ में गंगा पार करके और गंगा के किनारे उस त्रिकोण भूमि को पार करके और महाराज जी के आश्रम होकर समुद्र कूप पहुंच करके और वहीं से सोमेश्वर महादेव होकर के नई पुल से पार करके फिर त्रिवेणी में आओ, 15 किलोमीटर होता है। दास ने 3-4 साल से नापा है, ये 15 किलोमीटर की यात्रा है, यही पंचकोशी है। इस पंचकोशी की भूमिका हम लोगों को समझ लेना चाहिए और एक तिथि निश्चित करके माघ के संदर्भ में द्वादशी को वो परिक्रमा रखी गई है, तो द्वादशी के दिन एक परिक्रमा वो विद्वत परिषद के द्वारा आयोजित होना चाहिए, उसकी एक परिक्रमा की परंपरा बनाई जाए और वो परंपरा बनाई जाए, उसका हम लोग अनुपालन करें। तो हम लोग अपनी अपनी संस्थाओं के माध्यम से ये बात आप पाठक जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि यह इस सब्जेक्ट को भी रखें। आध्यात्मिक अभिरुचि हृदय में जागृत नहीं होगी तो तीर्थ की रक्षा नहीं होगी, इसका इंफाइटेंट, इसका आवश्यक सवाल यहाँ है। ये हम लोगों के घर द्वार में होना चाहिए, हम लोगों के समाज के सुप्रतिष्ठित लोग हम लोग हैं, तो हम लोगों को ये संकल्पबद्ध होकर के कि हम पंचकोशी की परिक्रमा को पवित्र करेंगे। प्रार्थना, हमने कहा आप अन्यथा न लेंगे, कोई पंडाल ऐसा नहीं बचता जहाँ कथा ना हो, कोई पंडाल ऐसा नहीं है कि जहाँ इसकी चर्चा बिल्कुल माता अलोप शंकरी जो आदि शक्तिपीठ है के प्रांगण में प्रयागराज विद्वत परिषद की ये जो बैठक हुई है, इसमें आए हुए सभी प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित आश्रमों से उनके प्रमुख हमारे संतवृंद सबको ओम नमो नारायण दंडवत, और जो हमारे सदगृहस्थ था उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे बहुत खुशी हुई कि इस शुभ कार्य की जो माननीय अपने वीरेंद्र पाठक जी ने जो एक संकल्प लिया है, संग सत्वम संग बदत्वम, जो एक वो है ना कि मिलके चलें, मिलके बोलें, मिलके संकल्प लें, और मिलके संकल्प का मतलब ये होता है कोई भी संकल्प अगर शुभ है तो उस संकल्प को हम सब अपना संकल्प बना लेते हैं, तो वो हम सब का एक सामूहिक संकल्प होता है और उसका बल अनेकों गुना बढ़ जाता है। और रही बात जैसे वीरेंद्र जी कहते हैं कि हमारी तारीफों में, देखो किसी भी शुभ गुणों की शुभ गुणों का तारीफ उत्साहवर्धन अवश्य करना चाहिए ताकि उस गुण की और वृद्धि, ये बहुत जरूरी है। हम सबके अंदर कुछ कमियां भी हो सकती हैं और सबके अंदर कुछ सदगुण भी हैं, तो उन सदगुणों का एक दूसरे के सदगुणों का हम सबको मिलजुल करके उत्साहवर्धन हेतु उसका वो कहना चाहिए समय समय के ऊपर। हाँ, दोनों प्रस्ताव जो इसमें मीटिंग में रखे गए, एक तो प्रयागराज संगम के ऊपर अभी कुछ दिनों पहले सुना गया था कि एक नाव के ऊपर हुक्का और मदिरा आदि जो भी कुछ मांस और इस तरीके की कुछ हरकतें कर रहे थे कुछ, जो तो ये हमारे धर्म और संस्कृति से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। कहते हैं ना तीर्थ बाकी जगह किया हुआ पाप तीर्थों में धुल जाता है, लेकिन तीर्थों में किया हुआ पाप वज्रलेप की तरह हो जाता है, और हम इसको सिर्फ ईश्वर दंड देगा ऐसा मान के भी नहीं छोड़ सकते। लिखित रूप में कुछ प्रशासनिक अधिकारियों को या जो सक्षम अधिकारी हैं, जो जिनके पास में दंड विधान है, दंड देने की क्षमताएं हैं, उनको जब तक हम नहीं अपने बोलेंगे तो वो उसको कुछ भी नहीं कर पाए। तो आज इस बैठक के अंदर एक तो उस प्रस्ताव का मैं आलोक शंकरी मंदिर की तरफ से और पंचायत अखाड़ा महानिर्वाणी के तरफ से बिल्कुल एकदम समर्थन करता हूँ और हृदय से उसके साथ में हूँ और हर तरीके से साथ हूँ। दूसरा, जो भारद्वाज ऋषि आश्रम होना चाहिए जहाँ उसका नाम पार्क रख रखा है, दूसरा हमारा प्रस्ताव है। तो और आश्रय ददाति इति आश्रमः, कि जो धर्म पिपासुओं को आश्रय देवे,
ज्ञान विज्ञान के जो जिज्ञासु हैं उनको जो आश्रय प्रदान देता है वो आश्रम है। तो वहाँ पार्क है, जैसे आपने कहा कि पिकनिक स्थल और धार्मिक स्थलों में बहुत थोड़ा अंतर होता है, बहुत अंतर होता है, थोड़ा बहुत। तो क्योंकि पिकनिक स्थलों पे वो सब ऐश्वर्यों के बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन धर्म स्थानों में हमारी संस्कृति महत्वपूर्ण होती है। तो उन सबको वहाँ पर आश्रम जैसा वातावरण भी होना चाहिए। उसके लिए जैसे हमारे वीरेंद्र जी ने ही कहा है कि अभी बात चल रही है और अगर वो बजट वहाँ आता है तो उसके बाद उसमें कार्य किया जाएगा। तो अगर वहाँ आश्रम बनता है तो जब यहाँ इतना बड़ा विश्वविद्यालय था जहाँ 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे और उनके कुलपति हमारे पूजनीय महर्षि भारद्वाज जी रहे हैं, तो उसमें जब वो बन जाएगा और बनेगा, क्योंकि आपके संकल्प के साथ हम अपने संकल्प को भी मिलाते हैं, क्योंकि यहाँ संगम है और संगम मतलब मिलन, और सबसे बड़ा संगम गंगा यमुना का ज्ञान और भक्ति की धाराएं जहाँ मिलती हैं, तो हम सबके संकल्प भी हम इस संकल्प के साथ जोड़ते हैं। और इसमें जो भी मेरी तरफ से, अखाड़े की तरफ से या इस मंदिर की तरफ से, चारों वेद, 18 पुराण, 6 दर्शन आदि जो भी धार्मिक जितने मेरे से संभव होगा, इन सब के साथ में अगर वहाँ कोई लाइब्रेरी बनती है, क्योंकि पुस्तकालय वहाँ एक विश्वविद्यालय था, तो कम से कम पुस्तकालय तो इस समय तो होना ही चाहिए। जाएं हमारे वयोवृद्ध हैं या जो भी धार्मिक रुचि रखने वाले हैं उनको, वो हमारी संस्कृति से संबंधित सारे धर्म ग्रंथ वहाँ उपलब्ध हों, वो बैठे उनके बैठने की व्यवस्थाएं हों, तो इससे क्या होगा कि एक जागृति आएगी या नए हमारे जो युवा हैं वो भी वहाँ जाकर के पढ़ सकते हैं, अपनी संस्कृति से रूबरू हो सकते हैं, उनसे परिचित हो सकते हैं। तो इसमें जो भी मेरे से होगा मैं बिल्कुल साथ में हूँ, हम सब साथ में हैं, हम सब एक हैं, और यह कार्य अवश्य ही पूर्ण होगा। माता आदि शक्ति भगवती आलोक शंकरी का आशीर्वाद और यहाँ के इस तीर्थ की शक्ति हम लोगों के साथ में है। जितने भी यहाँ के पवित्रतम आश्रम हैं, आश्रमों के जो देवी देवता हैं और जो वेणी माधव माता, गंगा यमुना और सरस्वती है ना, हनुमान जी महाराज, उन सब देवताओं से यही हम प्रार्थना भी है कि हमारे इस संकल्प को पूर्ण करें। और जैसे रामायण आदि के कहा सब जगह कि भाई ऐसे ऐसे आयोजन वहाँ होने चाहिए, तो ये बहुत अच्छा है। और यह इस प्रस्ताव का मैं पूर्ण मन से, दिल और दिमाग से, हर तरीके से इसका समर्थन करता हूँ, और जो भी मेरे संभव है मैं बिल्कुल साथ में हूँ, जहाँ कहीं भी कोई बैठक होगी उसमें हम उपस्थित रहेंगे। यहीं करिए सबसे पहले, यहीं मीटिंग बस ये शुरू हो जी ने, जब मैं और कोरोना काल में ये हुआ कि बंद कर दें, तो सबने कहा कि अगर बंद कर दोगे तो ये शासन प्रशासन फिर अनुमति नहीं देगा। तो आपने बड़ा मेरा मनोबल बढ़ाया सब तरीके से, तो आपका भी मैं बड़ा आभारी हूँ। और मेरा ख्याल है कि इस विषय पे मेरी नहीं है, ये मेरी शुरुआती सोच है, लेकिन ये सबसे आप सबसे विमर्श किया आप सबकी चीज़ है, और जो भी करूँगा मैं प्रशासनिक, क्योंकि आपकी अपनी सीमा है, आप 10 बार प्रशासनिक अधिकारी के पास नहीं ले जा सकते, लेकिन आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं इस काम को कर लूंगा। तो ये इससे बिल्कुल आप लोग में जो सनातन को अनेकानेक प्रकार से उस पर पल्लवित करने की आवश्यकता है, और प्रयागराज की धराधाम पे तो इसको जितनी जागृति होगी धर्म की उतना ही उत्तम होगा। और ये जो भी जो प्रस्ताव, ये दोनों प्रस्ताव तो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और प्रभु श्री राम के से संबंधित चर्चाएं, राम चर्चा होना, तो ये एक छोटे हुए महत्वपूर्ण विषय को हम लोगों ने इसको जोड़ा है, ये बहुत ही हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। निश्चित ही पूर्वजों की असीम अनुकंपा से ये प्रेरणा हम सभी में जागृत हो रही है, और ये राम कथा, राम चर्चा और राम वनगमन मार्ग में इसको सम्मिलित किया जाना, ये बहुत ही उत्तम होगा। और इस दिशा में जहाँ भी हमारी आवश्यकता या हम जिस लायक भी हैं, हमेशा सजग उपस्थित रहेंगे, और जहाँ भी निर्देश होगा अपने द्वारा प्रयास करता रहूँगा। ये बहुत ही उत्तम विषय और संकल्प दोनों जो बहुत पहले उठनी चाहिए थी। निसंदेह महर्षि भरद्वाज आश्रम हमारी संस्कृति की पहचान है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उसको उन्मुक्त होकर के
सार्वजनिक दर्शनार्थ, सार्वजनिक उपयोगार्थ बनाने की परिकल्पना पाठक जी की बहुत ही सार्थक और समीचीन मांग है। हम सबका पूर्ण समर्थन है। जैसे भी आप चाहेंगे, धन तो मेरे पास बहुत नहीं, लेकिन तन मन से आपके साथ लगा रहूँगा और बौद्धिक क्षमता जहाँ तक है वो आपको समर्पित हो जाएगी। आप भागने की बात करते हैं कि भागते हैं, मैं भागता नहीं, भाग लेता हूँ। आशा और विश्वास के साथ आपके साथ जुड़ करके चल रहा हूँ कि आपका सूर्योदयी संकल्प पूर्व में सिद्ध हो चुका है और यह संकल्प भी आपका निश्चित ही दृढ़ संकल्प है। संत चरणों का आशीर्वाद मिल रहा है। निःसंदेह शासन प्रशासन आपकी संकल्प के नीचे झुकेगा और आपकी मंशा को पूर्ण करने में उसे रंच मात्र भी विलंब नहीं होगा। अभी पूज्यपाद स्वामी जी ने चर्चा की जगह जगह के रामायण मेलों की। प्रयाग में भी रामायण मेला होता है। शुक्ला जी प्रत्यक्षदर्शी हैं, पिंडी वासा जी हैं, पूज्यपाद स्वामी जी उसके अध्यक्ष हैं। आदरणीय घनश्यामाचार्य जी भी कई बार प्रतिभा कर चुके हैं। आपके ही संकल्प के साथ मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ, उस समिति का मैं महामंत्री हूँ, आप लोग जैसा चाहेंगे, जहाँ पर जिसको पद स्थापित करना चाहेंगे वो हम छूट देते हैं। महामंत्री की भी जरूरत होगी तो मैं महामंत्री पद से इस्तीफा दे करके और आप सबको उस समिति में सम्मिलित करके, एकमात्र निवेदन ये मेरा होगा, जैसे भी स्वामी जी ने कहा कि भरद्वाज आश्रम में सत्संग हाल होना चाहिए, वर्ष में एक दो आयोजन होने चाहिए, उस एक दो आयोजन में रामायण मेले को त्रिदिवसीय आयोजन के रूप में संकल्पित करके उस स्थान पर होना चाहिए। भरद्वाज आश्रम के पीछे तक जा चुका हूँ। विगत वर्ष रामलीला कमेटी कटरा के प्रांगण में यह कार्यक्रम हुआ था। मेरी भी अभिकल्पना यही है कि वह कथा भूमि भरद्वाज आश्रम ही थी, जहाँ से महर्षि याज्ञवल्क और भरद्वाज की संवाद के साथ रामकथा का समारंभ हुआ था। उसी स्थान पर रामायण मेला होना सुनिश्चित किया जाए, यह हमारा भी प्रयास है, आपका सार्थक प्रयास है। आपके प्रयास में मेरा भी प्रयास मिल जाएगा तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। इसी परिकल्पना के साथ मद्य निषेध और मांस निषेध का प्रस्ताव बहुत ही समीचीन है। जो आपने सार्वजनिक बात कही है वो निसंदेह विधिसम्मत है। पूर्ण रूप से प्रतिबंध न शासन लगा पाएगा न संभव है, क्योंकि तब हमारे ही बीच के लोग इसका प्रतिरोध करना शुरू कर देंगे। वो दुकान से खरीदें, अपने घर में जाके बना के खाएं। अभी हाल में आप देखे होंगे समाचार पत्रों में, बीच गंगा जी में हुक्का पानी और मांस का उपयोग करते हुए वीडियो वायरल हो गए हैं और वो जिस वर्ग के हैं, अब उसके लिए सरकार क्या करती है भगवान जाने क्या हो क्या न हो। तो ऐसे प्रतिबंध होने चाहिए। प्रारंभ में सार्वजनिक प्रतिबंध लगाया जाए, धीरे धीरे भगवान की इच्छा होगी तो पूर्ण क्षेत्र वर्जित कर दिया जाएगा, ऐसा भी संभाव्य है। लेकिन आप का यह दृढ़ संकल्प, दोनों प्रस्ताव मैं मनसा वाचा कर्मणा सहमत होते हुए आपके साथ अहर्निश तत्पर रहने का वचन देता हूँ। इसी के साथ जय भारतम। यह एक शुभ कार्य का आयोजन माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के प्रांगण में होना निश्चित से विधि का कोई विधान है। और सबसे पहले तो हमें विद्वत समाज को इसकी भर्त्सना करनी चाहिए कि हम आधुनिकता और अति आधुनिकता के मध में कितने पतित हो गए हैं कि माँ गंगा में
हम हुक्का और शराब और ये तरह का कार्य कर रहे हैं। मैं विद्वत समाज से जब पाठक जी ने कल कहा, एक बार मुझसे पहले भी कहा है और मेरी बात होती रहती है, तो मैं आप लोगों से एक प्रार्थना भी करूंगा विद्वत समाज से और को नमन करते हुए कि धर्म और पर्यटन में थोड़ा अंतर रखा जाए, क्योंकि अगर हम धार्मिक क्षेत्र को पर्यटन का क्षेत्र बनाते जाएंगे तो वह उसकी दुर्गति यही होगी कि गंगा की बीच धारा में लोग जो है उसमें पीने लगेंगे। तो हम इसकी भर्त्सना नहीं करें। आज का यह मेरा यह एक प्रार्थना है, अनुरोध है कि आप लोग कुछ समझें कि इसकी भर्त्सना भी करनी चाहिए कि मंदाकिनी के उसमें आदमी दर्शन करके जो है जहाँ मोक्ष प्राप्त करता है वहाँ हम इतने ज़्यादा जो है हम अपने नई पीढ़ी को कहाँ ले जा रहे हैं आप, कि धर्म को कैसे नई पीढ़ी को संप्रेषित किया जाए, संप्रेषण का अभाव हो गया है। इसलिए यह प्रस्ताव तो सर्वसम्मत से पास ही है, इसमें कोई वो नहीं है कि हमारा पांच कोस का। मैं यही इलाहाबाद में पैदा हुआ, पढ़ा 80 साल मेरी आयु हो गई। हमने वैसे मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा, विज्ञान का अध्यापक रहा, मगर थोड़ी धर्म में ब्राह्मण वंश में सनातन धर्म में जन्म लेने के कारण अभिरुचि रही, मगर मैं 12 जो माधव हैं उनका स्थान ठीक ठीक से वो नहीं करता। मैं कुछ लिख भी लिखता रहता हूँ की स्थापना, इसलिए ये बात का विषय, मगर मैंने इसको एक उल्लेख कर दिया। आज के लिए आपका यह जो है प्रस्ताव, दूसरा प्रस्ताव जो भरद्वाज आश्रम के लिए है वह भी सर्वसम्मत से पारित है, मगर वहाँ धर्म के को करने के लिए भरद्वाज जी के संबंध में कुछ जानकारी रखी रहनी चाहिए, कुछ एक पुस्तकालय जैसा अगर स्थापित किया जाए छोटा सा। हम भी वहाँ पार्क में कभी कभी देखे जाते हैं, तो जो आपने कहा कि अश्लीलता का वह एक पार्क, उन्हें भरद्वाज ऋषि का आश्रम, और वह इससे नहीं है कि यहाँ पर उस महर्षि की तपस्या रही है उसको हम अंगीकार करें, तो इसके लिए तो आवश्यक है। और यदि संभव हो पीछे एक्सटेंशन कराने का भरद्वाज आश्रम का, तो भरद्वाज ऋषि और प्रयाग के ही गौरव नहीं रहे, प्रयाग के पूरे भारत के पूरे विश्व के वो गौरव रहे हैं, ब्राह्मणों के उसमें तो तमाम उसमें सबसे ज़्यादा भरद्वाज गोत्र के ही लोग मिलते हैं, तो इनके आश्रम बहुत सारी जगहों पर रहे हैं और वहाँ से उनके गोत्र बने हैं। मैं इन शब्दों के साथ एक बात और कह देना चाहता हूँ कि पाठक जी एक आयोजन करें जिसमें कि विद्वान लोग इकट्ठा हों और यह निश्चय करें कि प्रयाग का ये कि राम वनगमन का रास्ता कौन सा। यह भी एक उल्लेख मिलता है आपसे, कि मैंने चर्चा किया था कि उसमें जो है वो जो स्टेशन है नैनी के बगल वाला, वहाँ पर जो एक रामगढ़ में स्थापित किया गया है, मैं सर्वप्रथम माँ सुक्री को प्रणाम करता हूँ, आशीष चाहता हूँ। इस कार्यक्रम के मत हमारे बीच उपस्थित पूजनी वंदनी जो हम सब के प्रिय हैं, श्री गजराज स्वामी अर्जन दुर्गा जी महाराज, ठीक बगल बैठे हुए बनश्यामा जी महाराज, दक्ष जी महाराज, सिद्धराचार्य महाराज और राधा अष्टमी आज है, राधा मासो मंदिर की जो है हेड महाराज, अन्य विद्वजन और जहाँ बैठे हैं जिस परिसर में जो व्यवस्था दिया है इसके पीठाधीश्वर और निर्वाणी अखाड़ा के प्रमुख पूज्य श्री जमुनापुरी महाराज, मित्रों साथियों और कार्यक्रम के संयोजक हमारे प्रिय श्री वीरेंद्र पाठक, प्रत्येक सप्ताह दूरभाष के माध्यम से
अनवरत संपर्क में रहते हैं, इनकी खोज रहती है। पत्रकार होने के साथ साथ उन्होंने समाज बारे में चिंता किया। काशी विद्वत सभा बन सकती है तो प्रयाग क्यों बने, इसकी स्थापना की आवश्यकता थी। हम लोग प्रयागराज में बैठे हुए, मैं तो महाराज से जानते हैं, महाराज जी महाराज मैं 20 देशों की यात्रा किया हूँ, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया। प्रयागराज की भी चर्चा होती है, प्रयागराज को लोग इस दृष्टि से देखते हैं, यही दृश्य जो आप देख रहे हैं, जो भ्रमण हुआ है, कहाँ से प्रयागराज से, ध्यान नहीं पहचान नहीं प्रणाम कर रहे बैठ, हेलो अंग्रेजी में जिससे वहाँ होता है, ये प्रयागराज की महिमा है। राजश्री ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, हम इस पर जाते हैं। इनकी सोच गए बेनाम हो गए, इन्होंने जगाया, हमारे बिना बोलिए प्रस्ताव दिया, आशीर्वाद रखा है। जहाँ तक है अभी पार की बात हुई, पार की हमारे अपने कलेजे के प्रधान पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब यहाँ आना चाहिए, बड़ी विवेकी व्यक्ति थे, उन्होंने अध्ययन किया, फिर प्रयागराज का राजा तो मरहरद्वाज है, क्या जा देखा जाए कि क्या छटा है वहाँ की, वो यहाँ आना चाहते थे महाराज जी। जब उनको पता लगाया, एलआईएस रिपोर्ट गई, महाराज यहाँ बकरी बांधी जाती, उसी वो दुर्दशा हो चुकी है, कोई वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता है, हाल बेहाल है, ऐसा ये प्रयागराज जहाँ पर 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, गुरुकुल प्राणी की प्रथा हुई थी, सनातन धर्म की भूति थी, उसका ये हाल है, उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। दुर्दशा इस प्रयागराज की, प्रद्वाज पार की जिसके है, कैसे लगी, कैसे स्थापना हुई, एक लंबी कहानी है, लेकिन हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं। प्रशासनिक व्यवस्था लोग चले जाते हैं, संजय गोयल चले गए, इसके पहले चले गए, बात होती रही, कुंभ आ गया, तत्काल करना पड़ा, जो हुआ सामने है, जो है वहां पर, कहां जा रहा है, बांसेजोरा, कमाल की बात है, बांसेजोरा मर भरद्वाज विद्वान है, उसका नाम तत्काल जो है भरद्वाज पार भरद्वाज से भद्दा चोरा होना चाहिए, बिल्कुल जोड़ी। दूसरा, सुबह शाम वहां पर मंगल ध्वनि उस पार्क में, जैसे दिल्ली आते हैं पार्क में मंगल ध्वनि सुबह कम से कम 4 घंटे 4 बजे से 11 बजे तक और शाम को जो है बजना चाहिए, ताकि वहाँ की जो आप बता रहे हैं ना, जो मस्ती करने आते हैं, उनके मस्ती जो विकार होता है, विकार के दूर हो जाए, लोगों में एक भावना आ जाए, यहाँ योग स्थान है, यहाँ हमारे भगवान रहते थे, एक वातावरण बनता है, उसी से ये होना चाहिए, और छतरी होनी चाहिए, नर्म खड़ा हुआ है, इतना बढ़िया मूर्तियाँ है, अच्छी मूर्ति है, बहुत अच्छी प्रतिमा है, उस पर छतरी लगना चाहिए, ये तत्काल होना चाहिए। महाराज ने कहा भूमिका के उपस्थित हमारे प्रयागराज के अति विशिष्ट प्रमुख संत के चरणों में साष्टांग दंडवत, उपस्थित जो भी विद्वत समाज है, भैया खड़ा हो गया, आप सभी लोगों को जय श्री राधे। और सौभाग्य से आज राधाष्टमी है और निम्बार्क परंपरा के मुख्य आराधना जो है राधा रानी की होती है, इसलिए राधाष्टमी की आप सभी लोगों को राधा जन्म की बार बार मंगल बधाई। और विद्वत प्रयागराज विद्वत परिषद के माध्यम से आज यहाँ पर जो मानविंदु रखे गए और जो दो बातें यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, सभी संतों के मुखारविंद से जो बातें निकली हैं उससे हम पूर्ण रूप से सहमत हैं और हमारा उसमें पूर्ण रूप से सहभागिता है। और हम अपने इस विद्वत परिषद के जो संयोजक हैं वीरेंद्र, आदरणीय वीरेंद्र पाठक जी, उनको हम बार बार जो है अभिवादन करते हैं कि प्रयागराज में विशालकाय भरद्वाज जी की मूर्ति का अनावरण किया, ये प्रयागराज का मूल भाव है, मूल सेवा भावना है, हम उनको बार बार अभिवादन करते हैं, साधुवाद देते हैं। और आप जब जहाँ जिस समय हमको स्मरण करेंगे, हम वहाँ
उपस्थित रहेंगे।